नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 इसका प्रश्न 3 आज हम करने जा रहे हैं। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री हो। देखिए बच्चों, यह एक चतुर्भुज है, ABCD। वो कहते हैं यदि कोण B और कोण D दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? हाँ, यह समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्योंकि यदि आप देखें उदाहरण के लिए, एक वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। ये सभी कोण 90 डिग्री हैं, यह B है, यह D है, तो देखिए B प्लस D 180 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से आयत भी हो सकता है इसका उदाहरण, जिसमें कि सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये अब इसके दो उदाहरण हैं। इसका मतलब हाँ, एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण D तथा कोण B 180 डिग्री के बराबर हो। इसका उत्तर है हाँ, यह हो सकता है। दूसरा भाग है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि ABDC के बराबर हो, 8 सेंटीमीटर के बराबर हो दोनों, AD 4 सेंटीमीटर के बराबर हो और BC 4.4 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो इसमें बच्चों देखिएगा, हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, AB दिया है 8, CD भी दिया है 8, AD दिया है 4, BC दिया है 4.4। तो देखिए यह भुजा तो इसके बराबर है, परंतु यह भुजा है 4 लेकिन यह भुजा है 4.4। इसका मतलब ये सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। और यदि सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर नहीं हैं तो क्या यह एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? हम लिखेंगे नहीं, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी सम्मुख भुजाएं हैं? AD और BC, AD और BC बराबर नहीं हैं, AD और BC बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसी का तीसरा भाग है, कोण A है 70 डिग्री और कोण C है 65 डिग्री। अब देखिए इसी में देख लीजिए, कोण A है 70, कोण सी है 65, यह है सम्मुख कोण। परंतु हमने तो पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये तो 70 और 65 आए। इसका मतलब सम्मुख कोण बराबर नहीं है, अर्थात नहीं, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि सम्मुख कोण A और C, कोण A और कोण C बराबर
नहीं है, और क्योंकि सम्मुख कोण बराबर नहीं है इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो बच्चों ये इसके तीन भाग थे। आशा करता हूँ मैंने फिगर्स के साथ आपको ये तीनों भाग समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर बाकी प्रश्नों को आप देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद।